रिश्ता जो सनातन है, मां का है, एक महानदी जो हिमालय के हृदय से निकलती है, मां गंगा बन जाती है। संस्कृति की जब मिला उन्हें संदेश, इंद्र की नादान कथा, सगर पुत्रों की बलिदान कथा। स्व आश्रम में ऋषि कपिल बैठे थे ध्यान में लीन, तभी इंद्र ने छल कपट युक्त चाल चली अति ही। 60,000 सगर पुत्रों को हुआ गलत अनुमान, सोचा मुनिवर ने अपनी शक्ति दिखलाई, अश्व की रक्षा हेतु अब करनी पड़ेगी लड़ाई। ऋषि कपिल ने उन्हें भस्म कर दिया प्राण का दंड, देश के मान की खातिर, अपने कुल अभिमान की खातिर, ऋषि आश्रम पहुंचे असमंजस, पाया सब कुछ तहस नहस। तब असमंजस का मन रोया, क्षमा मांग ऋषिवर से उसने, कहा गुरुवर उपाय बताए, कैसे मिलेगी बंधुओं को मुक्ति, इसका कोई मार्ग बताए। हे पुत्र, कठिन तप से अब धरती पर गंगा को लाना होगा, पतित पावनी गंगा जल से बंधुओं को मोक्ष दिलवाना होगा। परिभाषा में मन में अटल विश्वास लिए, तप करते करते प्राण दिए। अब थे भागीरथ मन में दृढ़ विश्वास लिए, अब आया है समय तुम्हारा, ब्रह्मा जी का कर लो ध्यान, उनके ही आशीष मात्र से होगा पूरा ये अभियान। गंगा का वेग पड़ेगा भारी, धारेगी कैसे धरती बेचारी, जाओ अब शिव की शरण में। शिव की जटा में जब आए गंगा, सहज गति से धरती पाए गंगा, गिरीशम गणेशम गले।
पूर्ण हुआ, अब गंगा धरती पर आएगी, मेरी जटा से होकर जाएगी। प्रसन्न हुए भक्ति से ब्रह्मा गंगा को अपने पास बुलाया, धरती पर जाने हेतु आदेश दिया कर समझाया। आकर कपिल मुनि का ज्ञान सगर पुत्रों ने दिया बलिदान, सबने किया तेरा आह्वान। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या